हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आचार संहिता उल्लंघन और नौपर के सीतापुर निकाय चुनाव और अध्यक्ष व सभासद के नौ उम्मीदवारों पर हरपुर, महोली, मिश्रिख, मुरादाबाद, कोतवाली और आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। मिश्रिख और अध्यक्ष प्रत्याशी पर बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर केस दर्ज किया गया है, जिस समय की हरपुर और कांग्रेस समेत दो उम्मीदवारों के विरुद्ध बिना अनुमति के प्रचार वाहन चलते पाए जाने पर कार्रवाई की गई। इनके अलावा महोली व मुरादाबाद और शेष प्रत्याशियों पर बगैर अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री भारी संख्या और पाए जाने पर केस दर्ज किया गया है। मिश्रिख नैमिषारण्य और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुन्नी देवी ने रविवार को कस्बे और जुलूस निकाला, पर जुलूस निकालने की पूर्व और अनुमति नहीं ली गई थी। इस पर एसडीएम शेरी ने मुन्नी देवी, प्रदीप सिंह, अमित, नीरज व नरेश को नामजद करते हुए 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस रैली और बगैर अनुमति के भी कई पुलिस कर्मियों की मौजूदगी चर्चा का विषय रही। वहीं हरपुर कोतवाली पुलिस ने नगर पालिका परिषद हरपुर और कांग्रेस व निर्दल प्रत्याशियों के प्रचार वाहनों की चेकिंग की जांच और दोनों वाहनों के पास प्रचार वाहन का अनुमति पत्र नहीं मिला। सीओ अखंड प्रताप ने बताया कि पुलिस ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद हारून अंसारी और निर्दलीय प्रत्याशी हाजी सिराज अहमद के वाहनों के पास अनुमति पत्र न मिलने पर केस दर्ज कराया, साथ ही वाहनों को सीज कर दिया है। इसी प्रकार नगर पंचायत पैंतेपुर के वार्ड 3 अचाकापुर से सभासद पद के प्रत्याशी मुख्तार अनीश तथा इसी वार्ड के एन उलहक अंसारी के स्टिकर, पोस्टर, बैनर और पैंतेपुर के सरकारी संस्थाओं व बिपानी के खंभों पर लगे मिले। इस पर दोनों के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का अभियोग पंजीकृत किया है। इसके अलावा सीओ सदर अंकित कुमार ने नगर पंचायत महोली और अध्यक्ष पद सपा प्रत्याशी सुमन दीक्षित, कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला शुक्ला, निर्दलीय छाया दीक्षित व रागिनी शुक्ला के चुनावी कार्यालयों का निरीक्षण किया। मुआयने और उधर पर बिना अनुमति की प्रचार सामग्री पड़ी मिली। पंफलेट व पोस्टर पर संख्या व प्रेस का नाम अंकित नहीं मिला, साथ ही खाद्य सामग्री व सामान भी पाया। इस पर कोतवाली महोली और चारों प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके पश्चात सचल दल व पुलिस बल ने समस्त बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।